हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मोनू मांडल में। अब दोस्तों, आज जो सोशल मीडिया पर बहुत चीज़ें वायरल चल रही है, जो टेक चल रहा है, जो ट्रेंड चल रहा है, जो पारस ठकराल व्लॉग्स आप देखते होंगे, अगर पारस ठकराल के आप फैंस हों तो ज़रूर ये देखिएगा वीडियो पूरा। दोस्तों, ये इसकी वाइफ और सिन्हा विश पारस, इनके बीच में क्या है कि पिछले 10 या 15 दिनों से, यानी लड़ाई तो इनकी एक महीने पहले हो गई थी, क्या बात थी क्या है वो सोशल मीडिया पर आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन एक फैमिली को इस तरह से सोशल मीडिया पर नहीं आना चाहिए, मेरा जहाँ तक मानना है। पहले जब अच्छा था, अच्छे लगते थे साथ में, चलो बढ़िया वीडियो अच्छे बनाते थे भाई। पारस ठकराल में भी व्लॉग्स देखता हूँ, डेली व्लॉग्स देखता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन आप जितने भी लोग इनसे जुड़े हुए हैं और इनके व्लॉग्स देखते हैं, तो आप सभी लोगों को पता है कि अभी इस सोशल मीडिया पर ज़्यादा क्या चल रहा है। अब इनकी लाइफ है दोस्तों, पहले बड़े प्यार से रहते थे, कोई बात होगी फैमिली में होती है, हर कोई फैमिली ऐसी कोई फैमिली नहीं है जिसमें कोई लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिन चीज़ों के कारण बहुत बड़ी बात हो जाती है, और वही पारस भाई के साथ हुआ। और पारस और स्नेहा जो हैं, ये सोशल मीडिया पर अपनी पूरी लाइफ को एक्सपोज करने में लगे हुए हैं, पूरी लाइफ को एक्सपोज करने में लगे हुए दोस्तों। तो ये इनको कदम नहीं उठाना चाहिए। पहले जो कदम उठाया किसने उठाया, वो स्नेहा ने उठाया दोस्तों। स्नेहा ने जो कदम उठाया वो उसको ऐसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसको अपने बच्चे के बारे में, अपने पति के बारे में, अपने जो पारस भाई के जो फैमिली उसके बारे में सोचना था, अपनी फैमिली के बारे में सोचना था। क्योंकि वो गाँव से निकला हुआ बंदा जिसने मेहनत की थी, मेहनत करके दिल्ली में वो किस तरह से अपने मतलब काम को लेके वो लोगों के दिलों में राज उसने किया है, किस तरह वो आपको बनाया उसने, या फिर जैसे भी जो भी है वो मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगा। तो सबसे पहले अपन जो मुद्दा है वो मैं आ जाता हूँ दोस्तों। ये देखा दोस्तों, ये पारस भाई का चैनल है। पहले प्रैंक चैनल हुआ करता था पारस ठकराल नाम से, उस चैनल को भाई ने बंद कर दिया था, क्योंकि भाई ने बताया था, खुल्लम खुल्ला बता दिया कि स्क्रिप्टेड वीडियो होते थे जो प्रैंक के जो टीम से कॉल अप करने के लिए उस तरीके से बनाए जाते थे। अभी भाई का जो है व्लॉग चैनल है, जो फैमिली चैनल, जिसमें पूरे डेली व्लॉग्स आते हैं, अपनी फैमिली को भाई दिखाता है। लेकिन बीच में क्या हो गया आप देख सकते हो। सबसे पहले वीडियो जो डाला था ना, इस एक्सपोज का जो वीडियो डाला था, वो स्नेहा ने, उसकी वाइफ जो है पारस भाई की, इसने डाला था। उसने अपनी फैमिली के बारे में नहीं सोचा, पारस भाई की फैमिली है उसके बारे में नहीं सोचा। और दोस्तों, आज का अभी का जो ट्रेंडिंग में जो चल रहे हैं ये दोनों, उसने ये भी बोला कि मेरा चैनल भी मतलब डिलीट मरवा दिया, वो मरवा दिया। आप वीडियो देखते होंगे दोस्तों डेली, आप उसी साइड से वीडियो देख रहे हो, इसी साइड से भी देख रहा हूँ। ऑल द प्रूफ्स विथ रिकॉर्डिंग्स, ये वीडियो 836,000 लोगों ने देखा है एक दिन इस वीडियो को हुआ है, यानी वीडियो भी वायरल। लोगों को कितना मज़ा आ रहा है देखो, किसी दूसरे की लाइफ ख़राब हो रही है, वो अपने लाइफ के बारे में अगर किसी को एक्सपोज कर रहे हैं या अपने बता रहे हैं, तो देखो कितने लोग देख रहे हैं। और ये 1 मिलियन क्रॉस करने वाला आप देख सकते हो, 9,98,000 देख सकते हो। और दूसरा मैं यहाँ पर दिखा दे स्नेहा सचदेवा, अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ, 10-15 दिन में ये चैनल कितना ग्रोथ कर गया देखो। ये देखो 2.0 कुछ चैनल बनाए हैं, 62,000 कुछ ऐसे, 300 सब्सक्राइबर कुछ है, 5 वीडियो भी डले हैं। और ये फेम, और अगर आप इनके फेसबुक पर जुड़े हुए, तो इन्होंने ये जो एडवर्टाइजमेंट जो होती है, जो स्पॉन्सर होते हैं, उसका भी एड भी जो बताया जिसके बारे में भाई, इस एक्सपोज के चलते हुए इतना जो आदमी परेशान होता है इस लाइफ में भाई, कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, मैं पूरी पब्लिकली कर लियो, मतलब पूरी पब्लिकली ऐसे मैंने कर दिया है पूरी अपनी लाइफ को, अब मेरे बच्चे पे क्या बीतेगी, ये बिना सोचे समझे। ये देखो 3 वीडियो अभी भी, देखो 5,26,000 लोगों ने देखा, और चैनल ये कितने दिन पहले बना आप देख सकते हो, ये 26 तारीख को इसने बनाया था स्नेहा ने। तो मैं कहना चाहूँगा जो स्नेहा के वीडियो देखते हैं, जो स्नेहा को भाई पसंद करते हैं उनके वीडियो, उनके कंटेंट को लेकर, मैं भाई पारस भाई के शुरू से वीडियो देखता था, पारस भाई के जब साथ में स्नेहा वीडियो में आती थी, जो भी हमें कुछ पता नहीं था उसके बारे में क्या है क्या नहीं। लेकिन अब इन चीज़ों से हमें लग रहा है कि यार पारस भाई बिल्कुल सही है। तो दोस्तों, आप ज़्यादा अपना समय YouTube पे इतना ख़राब ना करें, क्योंकि YouTube पे जो लोग वीडियो बना रहे हैं वो खुद एक्सपोज तो कर रहे हैं, लेकिन इतने वीडियो से बहुत सारे वीडियो बना रहे हैं। तो मेरी पारस भाई से रिक्वेस्ट है कि जो होना था जो हो गया, लेकिन इतना अब पब्लिकली जो करना है जो भैया, तो पूरा करो एकदम कम्प्लीटली, क्योंकि कर ही रहे हो आप तो वैसे, और स्नेहा वो भी रुकी नहीं, तो आपको करना ही पड़ेगा वो तो सारी चीज़ें।
तो दोस्तों मेरा यही कहने का मतलब है कि जो भाई की जो लाइफ है उसने एक्सपोज की है, अब कौन है, कौन सही है, कौन सही गलत है, वो मेरे को वो लग रहा है कि पारिस जो भाई है वो सही है। और हम ऐसे नहीं बोल सकते, प्रूफ प्रूफ दे रहे हैं। अब स्नेहा ने पहले से रिकॉर्डिंग वगैरह वो सुना दिया, तो उसको मतलब या तो वो खुद गलत है इसलिए उसको पता था ये चीज़ें होने वाली हैं, इसीलिए ये चीज़ें बाद में यह रिवील हो रही है, ये रिकॉर्डिंग वो पहले की हो, ऐसे कोई कर थोड़ी सकता है। अपन को तब जब पता होता है कि अपने साथ 10 दिन बाद में क्या होने वाला है, तभी बंदा अपनी जो प्रूफ है वो इकट्ठा करता है, ऐसे कोई नहीं करता। ये मुझे पता है, ये आप सभी को पता है। तो मैं पारस भाई से यही कहना चाहूँगा कि पारस भाई जो होना था या तो पूरा फुल एक्सपोज करो जो बात हुई क्या बात हुई, क्योंकि एक्सपोज करने में लगे हुए पूरी जो क्लियर बात है वो भी सामने आई नहीं है। वो वीडियो डेली आ रहे हैं, आज भी, आज नहीं तो कल भी वीडियो अपलोड हो जाएगा। तो इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा था आप सभी से, क्योंकि YouTube पे आप यहाँ पे सर्च करोगे पारस ठकराल से, तो YouTube पे देखो कितने सारे वीडियो, मतलब बहुत सारे लोग कंटेंट भी बना रहे हैं। तो आज का वीडियो यही था मेरा दोस्तों, कि दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर ज़्यादा ना करें आप। वो अपनी लाइफ में उनके साथ क्या हुआ क्या नहीं, अपने फैमिली को नहीं समझ रहे हैं, स्नेहा जो अपनी फैमिली को नहीं समझ रही या उनकी फैमिली को वो नहीं समझ रहे हैं, वो अपन को कुछ नहीं पता, क्योंकि उनके साथ जो बीता हुआ हमें एकदम क्लियरली नहीं पता, क्योंकि वो जितना बताएंगे वही हमें पता होगा, क्योंकि हम उसके क्योंकि हम उनके घर में रहते नहीं हैं। तो इसलिए आई होप कि आप ये चीज़ें देखना, अगर क्लियरली सही इसका रिजल्ट आपको चाहिए तो एक तरफ मेरी दोनों तरफ जाके वीडियो देखें, तभी आपको क्लियरली पता चलेगा। तो आज की वीडियो में यही, और मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरा, जब भाई बिल्कुल डिटेल से पूरा क्लियर कर देंगे तब आपको जरूर कर देंगे। थैंक यू।